हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। हाँ बेटा, देखो हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल में हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी बेटा। जैसे देखा था हमने पहले, कोई भी नाइट्रेशन रिएक्शन या कोई भी हैलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे ब्रोमिनेशन रिएक्शन का देखा था हमने कि हमें मोनो प्रोडक्ट या जो है फुली प्रोडक्ट बनाए थे। तो नाइट्रेशन के साथ साथ हमने नाइट्रो ग्रुप लगने पर एसिडिक रिलेटिव, एसिडिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है, ये भी चीजें देखी थी। कुछ हिंट भी दिए थे मैंने, ट्रिक से भी सिखाया था, पॉम मोप करके इस टाइप से, कि आप अपने जो एक्सेप्शनल केस हैं उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बेटा। इसके बाद कुछ जो है, इसकी नेम रिएक्शन काफी फेमस है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुछ नेम रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ फिनोल। पहला नेम रिएक्शन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, रायमन राइमर टाइमान रिएक्शन, रायमर टाइमान रिएक्शन या रायमर टाइमान फॉर्मलेशन रिएक्शन। आरटी रिएक्शन या आरटी फॉर्मुलेशन से आता है ये, आरटी फॉर्मिलेशन, राइमर टाइमान रिएक्शन, राइमर टाइमान या फॉर्मिलेशन रिएक्शन। इसमें आप रिएक्शन जो करवाते हो वो आपका फिनोल का जो रिएक्शन होता है, फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म में। फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कली मीडियम, इन एल्कली मीडियम टू गिव फिनोक्साइड। एक मिनट, इसको आप ये कह सकते हो, ये लिख सकते हो टू गिव, ऐसे कर दो, फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कली मीडियम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू गिव सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, देखो आपका फिनोल रिएक्ट कर रहा है, चीजें पहले ध्यान रखनी है बेटा आपने। फिनोल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है, एल्कली मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, और इससे जो प्रोडक्ट, फिर एसिडिफिकेशन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, वो सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं राइमर टाइमान फॉर्मिलेशन रिएक्शन है। तो राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन में एक्चुअल में है क्या यहां पर, कि एच जो है ऑर्थो एच पॉजिटिव ओ फिनोल रिप्लेस्ड बाय सीएचओ ग्रुप। सीएचओ को फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं, सीएचओ और फॉर्मिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऑर्थो एच पॉजिटिव फिनोल रिप्लेस्ड बाय सीएचओ या फॉर्मिल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर्मिलेशन। एक जनरल रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, देखो हम जनरल रिएक्शन, सपोज आपके पास ये फिनोल है, फिनोल इसकी जो ऑर्थो पोजीशन वाला एच होता है
अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवा दें CH Cl3 से करवा दें, CHCl3 से एक्वस एल्कली मीडियम जैसे QH वगैरह ले लिया आपने, और फिर लास्ट में एसिडिफिकेशन करवा दें हम, तो हमारा ये H रिप्लेस होके यहां पर जो हमें मिलता है वो CHO इंट्रोड्यूस हो जाता है, CHO इंट्रोड्यूस हो जाता है। CH की जगह पे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये वाला कार्बन जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, CHO इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो ऑर्थो सैलिस एल्डिहाइड है ये जनरल रिएक्शन है बेटा राइमर टाइमान फॉर्मेलेशन की, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिनोल का कन्वर्जन। देखो CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया, इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टाइमान फॉर्मेलेशन। इसका स्पेसिफिक की चीज क्या है कि क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि फिनोल की जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक है तो रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल होगी, तो है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैकेनिज्म क्या बोलोगे आप, जनरल रिएक्शन तो ऐसे करोगे लेकिन मैकेनिज्म क्या बोलोगे कि मैकेनिज्म बोलोगे ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो पॉइंट आएगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। इलेक्ट्रोफाइल जो है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, और वो भी सिंगलेट, ये वर्ड याद करना आपने, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में जो है आपका वो डाइक्लोरोकार्बीन जो है, डाइक्लोरोकार्बीन सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो एच को हटा देगा एच पॉजिटिव को और वो इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस होके बाद में CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल याद करना है इट इज द कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन का एच पॉजिटिव रिप्लेस्ड बाय CHO, बट ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन है, CCl2 है, डाइक्लोरोकार्बीन। क्लियर, पहले रिएक्शन याद करनी है बेटा, जितना भी नेम रिएक्शन आए सबसे पहले रिएक्शन को अच्छे तरह से याद कर लेना है कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा। यहां पर रिएक्टेंट क्या है बेटा, राइमर टाइमान रिएक्शन में रिपीट कर दो, रिएक्टेंट क्या लिया है आपने, सर क्लोरोफॉर्म नहीं, रिएक्टेंट क्लोरोफॉर्म नहीं बेटा, रिएक्टेंट क्या लिया है, फिनोल, फिनोल, रिएक्टेंट बोलोगे तो वो फिनोल होगा, फिनोल जो है वो वहां पर आपका रिएक्टेंट है, रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म, हाँ रिएजेंट जो आपका, हाँ रिएक्शन कराने वाला जो है वो रिएजेंट क्लोरोफॉर्म जो है एक्वस KOH के साथ ले रहे हो, ये रिएजेंट है वो रिएक्टेंट, ये रिएजेंट है, तो याद रखना है आपने क्लोरोफॉर्म KOH याद रखना है ये रिएजेंट है, और इसमें इंट्रोडक्शन CHO का हो रहा है तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट ही नेम रिएक्शन कोई भी आ जाए बेटा याद रखने का तरीका यही होता है कि आप रिएक्टेंट रिएजेंट और सबसे बेसिक तो यही चीज होती है रिएक्टेंट रिएजेंट, फिर डीप बाद में जाओ, अंदर बाद में जाओ रिएक्शन की मैकेनिज्म में बाद में जाओ, पहले आप बेसिक याद रखो कि भाई इस रिएक्शन में राइमर टाइमान रिएक्शन में रिएक्टेंट फिनोल है, रिएजेंट एक्वस KOH के साथ क्लोरोफॉर्म है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो रिपीट कर दो बेटा एक बार, रिएक्टेंट क्या होगा राइमर टाइमान रिएक्शन में, फिनोल, फिनोल होगा, रिएजेंट क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म विद एल्किली, क्लोरोफॉर्म विद एल्किली, क्लोरोफॉर्म विद एल्किली मीडियम, और जहां भी बेटा क्लोरोफॉर्म एल्किली मीडियम में आ जाए तो याद रखना वहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। हमेशा पूरी केमिस्ट्री में आपकी ऐसी दो रिएक्शन आएंगी, एक रिएक्शन अब पढ़ रहे हैं एक आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, तो उन दोनों जगह जहां भी क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ देख लो तो आप समझ लेना कि डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन इंटरमीडिएट बनता है, तो ये हमेशा याद रखना नॉलेज क्लाउड में, याद रखना नॉलेज क्लाउड कि ये मैंने देखो आपको मैं जब एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था वहां भी बताया था कि क्लोरोफॉर्म इन एक्वस KOH गिव्स डाइक्लो, पूरा नाम लिखो सिंगलेट,
बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, सिंगलेट डाई क्लोरो कार्बीन, सिंगलेट डाई क्लोरो कार्बीन इंटरमीडिएट। जहां भी आपको ये दिख जाए, तो ये धीरे धीरे चीजें जब आपकी बेसिक याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आपको रिएक्शनें याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी क्लोरोफॉर्म आप देख लो एक्वस क्यूएच के साथ, तो सिंगलेट डाई क्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट देंगे। कौन सी रिएक्शन से पढ़ के आए हो आप बेटा? बाई एल्फा और 1-1 एलिमिनेशन। अब ये आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, अब वहां पर ये रिएक्शन की हुई है। अगर किसी ने भी ये रिएक्शन की हुई है तो उसको रिएजेंट का वर्क क्लियर कट पता लग जाएगा बेटा। तो कैसे रिएजेंट आ जाएगा देखो, तो क्लोरोफॉर्म जब भी आप एक्वस क्यूएच के साथ देखोगे तो बोलोगे सिंगलेट क्लोरोकार्बिन। तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर याद है ना, ये स्ट्रक्चर होती है सी, सी के साथ एच, सी एल, सी एल, सी एल। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सी एल हो, अगर आपके पास एक सी एल होता है कार्बन पर और एक्वस क्यूएच लेते हो, तो एक्वस क्यूएच तो क्या देगा आपको, एक्वस क्यूएच ने क्या देना है आपको, ओएच नेगेटिव देना है बेटा। एक्वस क्यूएच क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ओएच नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव कहीं भी अकेले कार्बन के Cl पर होता है तो फिर वो तो क्या करता था, वो SN2 रिएक्शन देता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता था। जैसे एक्वस KOH कहीं भी आएगा तो क्लोरीन को रिप्लेस करना होता था, तो SN1, जब तीन तीन क्लोरीन आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने पर 3-3 Cl के इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और ये क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है बेटा। ये हाईली एसिडिक हो जाता है तो अब OH नेगेटिव जो जनरली किसका काम करता था है एल्काइल हैलाइड के साथ, न्यूक्लियोफाइल का करता था, अब न्यूक्लियोफाइल का नहीं करेगा, उसकी बजाय किसका काम करेगा ये, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, बेस का काम करेगा बेटा, बेस का। OH नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं, OH नेगेटिव बेस का काम करेगा, OH नेगेटिव जो H पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा। OH नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत हाईली एसिडिक हाइड्रोजन रखा हुआ है, क्लोरीन कार्बन पर तीन तीन क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींच के कार्बन को ले जाएंगे और H को छोड़ जाएंगे, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रह जाएगा यहाँ पर। तो क्लोरोफॉर्म का H जो होता है वो H पॉजिटिव फॉर्म में होता है, इसलिए OH जो होगा यहाँ बेस का काम करेगा। बेस का मतलब होता है H पॉजिटिव को हटाना, बेस का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव को हटाना। जैसे ही ये बेस का काम करेगा, जब कोई स्पीसीज बेस का काम करती है तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है या एलिमिनेशन होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको, जब भी कोई बेस का काम करता है तो एलिमिनेशन होता है बेटा, एलिमिनेशन। तो इसका मतलब यहां पर अब एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब एच इधर से निकलेगा और एक सीएल निकल जाएगा, ये सीएल निकल जाएगा। तो बाहर क्या हुआ, OH एच पॉजिटिव को लेके चला गया एज ए वाटर, इधर से सीएल नेगेटिव भी निकल गया, एक ही कार्बन पर एच भी निकला और सीएल भी निकला, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के गया, एक ही ऑर्बिटल में एच वाला और वो वाला अपने जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये स्पीसीज बनी बेटा, सी सी एल टू स्पीसीज बना, सी सी एल टू, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन CCl2, तो इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन। और डाई क्लोरोकार्बीन जो है, इसमें देखो डाई क्लोरोकार्बीन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, फिर डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन में टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन विद कार्बन, कार्बन के पास 2 और 2 2 यहां पर वाले, ये दो कार्बन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, इसको बोलते हैं, इसका मतलब कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, सेक्सटेट बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसका बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो ऑक्टेट कर लेने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से लेगा, तो इनकम्प्लीट जब ऑक्टेट होगा तो वही किसका काम कर सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो डाई क्लोरोकार्बीन किस तरह का काम कर रहा है यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। दूसरा एक
तरीका होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का, 11th क्लास में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और उसका फार्मूला होता है SM निकालने का 2s+1, ये फार्मूला होता है इसका 2s+1। तो यहाँ देखो 2 स्पिन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, दूसरे वाले का माइनस हाफ, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ टोटल स्पिन हो जाएगा बेटा 0, और प्लस 1 तो टोटल सम आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 1, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट। एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए कि सिंगलेट कार्बिन क्यों बोल रहे हैं, डाइक्लोरोकार्बिन सिंगलेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, तो डाइक्लोरोकार्बिन को आप सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हो, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल आएगी, सिंगल का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में रहेंगे, तो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन 6 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां भी देखो बेटा ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखो, जहां भी आप देखो क्लोरोफॉर्म का एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन है तो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा, और इस रिएक्शन का नाम होगा सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन में एक्वस KOH का OH नेगेटिव, जनरली जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता था वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कर रहा, उसकी बजाय बेस का काम कर रहा है, मतलब H निकालेगा तो एलिमिनेशन हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां से H निकल रहा है जिस कार्बन से, उसी कार्बन से Cl भी निकल रहा है, इसलिए अल्फा या फिर दोनों एक जगह से निकल रहे हैं तो 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, 1-1 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। तो राइमर टाइमान रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, रिपीट करो, रिएक्टेंट क्या था राइमर टाइमान में, फिनोल। रिएजेंट क्या था बेटा, रिएजेंट क्लोरोफॉर्म एल्कली मीडियम, क्लोरोफॉर्म एल्कली मीडियम था, और प्रोडक्ट क्या बना था, सैलिसिल एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप आ गया था फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर, CHO ग्रुप आ गया था, CHO ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलते हैं, तो फॉर्मिल ग्रुप आ गया था, CHO ग्रुप आ गया था। तो इसमें सबसे पहले हमने काम देखा रिएजेंट का, तो रिएजेंट क्या लिया था बेटा आपने, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली मीडियम। जब भी आप क्लोरोफॉर्म और एल्कली मीडियम, पूरी केमिस्ट्री में दो ऐसी रिएक्शन आएंगी, अच्छी तरह से याद कर लो, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ QH आ जाए तो क्या बनाओगे आप, एक इंटरमीडिएट बनाओगे, उस इंटरमीडिएट का नाम बताओ, क्या नाम होगा उस इंटरमीडिएट का, डाइक्लोरोकार्बिन, पूरा नाम सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन, क्या नाम दोगे उसको, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन, किस रिएक्शन से बनेगा, उस रिएक्शन का नाम बताओ, ये जिस रिएक्शन से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, पीमन रिएक्शन, नहीं मैं सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी सिर्फ सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन जिस रिएक्शन से। सर जब क्लोरोफॉर्म को हम एल्कली मीडियम में रखेंगे तब बनेगा, एलिमिनेशन बोलोगे बेटा, अल्फा या 1-1 एलिमिनेशन, ये सिर्फ आपको यहाँ सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं ये सारे वर्ड, ये सारे आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है कि सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन जो बन रहा है क्लोरोफॉर्म और QH की रिएक्शन से बन रहा है, तो ये किस मैकेनिज्म, किस रिएक्शन से बनता है, ये किस रिएक्शन से बनेगा, तो क्या आंसर दोगे उसका, या तो अगर अल्फा दिया हुआ है तो अकेला अल्फा आंसर दोगे, अगर डिजिट में दे रखा है तो 1-1 एलिमिनेशन बोलोगे, अल्फा या फिर देखो मैंने और लिखा है अल्फा और 1-1 एलिमिनेशन, इस ये चीज ये शो करती है कि यहाँ पर जो KOH एक्वस KOH का OH नेगेटिव किसकी तरह वर्क कर रहा है इस रिएक्शन में, बेस की तरह कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं कर रहा, बेस की तरह कर रहा है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस KOH का OH नेगेटिव बेस की तरह काम करता है। तो ये जो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन है ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क क्यों करता है, क्या रीजन है सर, क्योंकि 6-8 होता है, ऑक्टेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 6 होते हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये न्यूट्रल है, ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है CCl2 पर, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो कभी भी आ जाए आपके पास, फिर एक क्वेश्चन बना देता हूं यहां पर कि जब भी आपसे पूछा जाए सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन मतलब CCl2 ये लिखा हुआ आ जाए CCl2, तो आप इसको बोलोगे वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कोई बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है क्योंकि लोन पेयर भी पड़ा है, तो वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल।
तो CCl2 वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो हमें तो ये पता है कि अब आगे की बात सोचते हैं, आगे चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा क्लोरोफॉर्म और QH वाला, ये जाकर के बेंजीन पर अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा, देखो बेंजीन रिंग पर फिनोल की, CCl2 वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन ऑफ फिनोल CCl2 वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन ऑफ फिनोल। देखो यहां फिर एक बात सोचने वाली है बेटा, आपने फिनोल ले लिया और फिनोल के साथ मीडियम कैसा ले रहे हो, एल्कली। एल्कली, तो यहां भी तो रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब फिनोल के पार्टिकल एल्कली मतलब QH के साथ रिएक्शन देंगे, तो यहां तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन। बोर्ड में आ जाए तो ऊपर वाली दो लाइन सफिशियंट है, बस जो ऊपर लिखा है राइमर टाइमर रिएक्शन। कंपटीशन के लिए सारी बातें कर रहे हो आप। फिनोल में फिनोल QH के साथ तो एसिड बेस रिएक्शन देगा और फिनोक्साइड आयन बना देगा, और जैसे ही फिनोक्साइड आयन बनेगा, सपोज ये फिनोक्साइड आयन बना दिया मैंने, तो उसमें बेटा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, तो फिनोक्साइड में जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं ना, तो फिनोल की प्रेजेंस, ये आपके एल्कली की प्रेजेंस में, ये क्यू एच एल्कली है, एल्कली की प्रेजेंस में ये आपका ओ और इधर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां सपोज हमारे पास एच लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड घूमते रहेंगे यहां पर। अब ये जो हो गया, ये आपका नेगेटिव का मतलब सोच रहे हो, नेगेटिव का मतलब है यहां तो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ये चीज बाहर दिखानी है तो ऐसे दिखा दो, यहां दिखाना है तो चाहे ऐसे दिखाओ, पहले ऐसे दिखा दिया माइनस, फिर ऐसे दिखा दो, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, यहां से हट गया ना एक, ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, और इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ये यहां आगे तो ये यहां आगे, इधर एच एक लगा हुआ है, इधर एच लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, इधर वाले बॉन्ड अपनी जगह है। तो यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो गई ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन पर, ये इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, CCl2, CCl2 वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक कहां करेगा ऑन इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन ऑफ फिनोल। तो यहां अटैक करवा दो नेगेटिव वाले पे, तो जैसे CCl2 अटैक करेगा तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, पहले तो मैंने रिच साइड दिखा दी, इलेक्ट्रॉन रिच साइड। अब इलेक्ट्रॉन आपने रिच साइड देखी है तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करो, अब ये आपने H लगा हुआ है और यहां पर कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज है, इधर CCl2 आएगा, CCl2 के पास एक वेकेंट प्योर ऑर्बिटल है, क्योंकि छह ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो थ्री बॉन्ड बन रहे हैं, तो वेकेंट प्योर पी ऑर्बिटल है।
तो ये जाकर के इसमें अपने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही ये अटैक करके यहाँ पहुंचेगा, ये हिस्सा अपना इधर कार्बन पे ले आएगा और कार्बन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखो क्या चीज बन गई फिर आपकी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इधर तो H है, इधर ये CCl2 आ गया। अब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया। जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहां देखो ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन अपना इसको वापस ट्रांसफर कर देगा। कार्बन जो है उसको ये H दे देगा क्योंकि ये बेसिक हो गया, न्यूट्रल चार्ज तो खत्म करना चाहेगा ना, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। तो आपकी ये चीज बन गई। तो इस चीज से देखो आप क्या समझ पा रहे हो, इस चीज से समझ पा रहे हो यहां तक आपने अपना H हटा दिया और H हटा करके CH को दे दिया, CH Cl2 यहां चला गया, CH Cl2 ये क्वेश्चन आया हुआ है, CH Cl2। तो पहले ये जो बनाया आपका इस टाइप वाली स्पीसीज बनी है। अब ये 11th क्लास की सारी जो है आपके अगर IUPAC कितना क्लियर है उन सब चीजों पर है, तो अगर एक ही कार्बन पर दो एक Cl जाता है तो इल होता है, एक सील जाता है तो इल होता है और दूसरा सील भी वहीं से निकल जाता है तो इल प्लस इड इन होता है, इलिडी। तो यहां पर ये जो आपका बन रहा है ये एक ही कार्बन पर दो सील लगे हुए हैं, देखो जैसे एक यहां लगा एक यहां लगा, तो ये इल इडीन वाला आपका इसलिए बेंजिलिडीन टाइप है, ऑक्सो ऑक्सीजन आ गया इसलिए ऑक्सो, बेंजीन के साथ एक कार्बन बेंज, इल इडीन इंटरमीडिएट है। अब कई बार बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि भाई कार्बन के साथ दो सीएल है तो कौन सा इंटरमीडिएट फिर बना। तो अल्टीमेटली आपने देखो वापस पॉइंट पे आता हूं मैं, CCl2 एक वीक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन पर, तो ये अटैक किया, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन, CCl ने अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या फिर वापस बॉन्डिंग हो गई, एच निकल गया और सी के साथ चला गया। अब आपने CHCl2 में एक्वा सी तो ले रखा है, अब आपकी देखो जनरल रिएक्शन स्टार्ट होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, मतलब क्या होता है रिएक्शन में कैसे जाता है वो एक एक पॉइंट देख रहे हैं। अब यहां से तो आप समझ गए होंगे, पिछला चैप्टर आपने पूरा पढ़ा है, अगर आपने OH ले रखा है KOH जैसे OH ले रखा है तो OHCl को हटा सकते हैं, जैसे दो OH है ये दो Cl को हटा देंगे, तो दो Cl को हटा देंगे तो क्या बना देंगे, ये O नेगेटिव, कार्बन पे दो OH लग जाएंगे, बिल्कुल दो OH लग जाएंगे। और एक कार्बन पे दो OH क्या होता है हमेशा अनस्टेबल, तो वाटर निकल जाएगा, हाँ टकराएंगे, टकराएंगे तो ये वाटर को रिलीज कर देंगे, अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी बेटा। ये वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, आप यहां तक पहुंच गए, देखो CHO इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये आपका CHO इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी क्या है O पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको खत्म करने के लिए फिर आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब एच पॉजिटिव देना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करोगे तो उसको OH भी मिल जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये आपका बन गया ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस टाइप से आप जो है यू कैन सी हियर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। मैं अगेन देखो यहां पर इस पॉइंट को यहां से फिर अगेन मैं करता हूं आपको कि जो फिनोल होता है वो ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और फिनोक्साइड में रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस से क्या होगा कि इधर ऑक्सीजन न्यूट्रल होकर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा देगा, जैसे ही ये अनस्टेबल ही होगा, कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो कार्बन बन जाएगा, और इस कार्बन जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है इस पर CCl2 फटाफट आके अटैक कर जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, ये इलेक्ट्रॉन पुअर साइट हो गया वेकेंट प्योर ऑर्बिटल, और उससे अटैच हो जाएगा। जैसे ही उससे अटैच होगा, अटैच होने के बाद कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके, कार्बन वाला नेगेटिव इस पे आ गया है। अब इस एच को नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एच इसके पास आ जाएगा, बॉन्डिंग वापस रिप्लेस होके ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। अब जो आपका ये बना है
अब इसमें सीएल को हटाओ, ओएच लगाओ, तो दो एच लग गए पिछले एल्किल हाइड वाली रिएक्शन, फिर एक कार्बन पर दो एच अनस्टेबल होंगे तो टकरा के वाटर रिलीज कर देंगे, सीएचओ आ गया, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर आपने बेसिक मीडियम दे रखा है तो यही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो आप फिनोल नहीं बना सकते, फिनोल तो एसिड है, एसिड थोड़ी एग्जिस्ट करेगा बेस के अंदर, तो वो नेगेटिव साल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद फाइनली हमें वापस एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो ओएच और सीएचओ बन जाएगा। तो क्लियर, किसी का कोई पॉइंट है तो बेटा डिस्कस कर सकता है वो, पहले रिएजेंट का काम देखो। पैरा पोजीशन पे भी तो लग सकता है, मतलब वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां भी आए, यहाँ दोनों फायदे होंगे। एक तो क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इलेक्ट्रोफाइल पुअर है, तो उसके बहुत बेंजीन के साथ इसलिए रिएक्शन होती ही नहीं है, CCl2 जो है पूरे इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा, और तीसरा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी, तो सारे स्टेबिलिटी फैक्टर के रीजन से ऑर्थो पर आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जब OH आएगा, OH के बाद ये OH भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये भी स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमको देना होता है, देन ये चीज आएगी। तो बेटा किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, कि हो सकता है आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे मिले आपको, फिनोल की राइमर टाइमान रिएक्शन पर, आरटी रिएक्शन पर। तो बेटा एक बार रिपीट कर दो, आरटी रिएक्शन, देखो बार बार मैं करवा रहा हूं आपसे, आरटी रिएक्शन में आपको पहले जो रिएक्शन तो याद किया आपने, रिएजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मुझे पहले ये बताओगे कि उस रिएजेंट का काम क्या था, एक्वस केवेच का काम क्या था, किस किस के साथ रिएक्शन किया। सर वो जो कार्बन से ना क्लोरीन निकाल सके, एलिमिनेशन रिएक्शन करा सके अल्फा वन वन। एक तो ये भी हुआ, एक और काम हुआ बेटा, अगर ध्यान दिया हो आपने तो, एसिड बेस रिएक्शन भी तो किया है फिनोल के साथ केवेच ने। सर दूसरा काम ये हुआ कि वो क्लोरीन हटाकर दो ओएस लगाना, बस ये भी हो गया। तीसरा एक और केवेच का काम देखोगे ना बेटा, तीन जगह नजर आएगा आपको, KOH का काम देखोगे तो तीन जगह नजर आएगा। देखो पहला क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, वो नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बनाना, हाँ एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना वहां पर, क्योंकि KOH की फिनोल के साथ रिएक्शन तो होती है, KOH तो बेस है और ऐसा बेस है जो फिनोल के साथ रिएक्शन देता है, एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहला KOH का काम जो आप देख रहे हो, डाइक्लोरोकार्बिन बनाना, सिंगलेट कार्बिन बनाना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बनाना, न्यूट्रल वीक इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा काम देख रहे हो ये एसिड बेस रिएक्शन करके फिनोक्साइड बनाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, अगर फिनोक्साइड नहीं बनता तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे होती, फिनोक्साइड बनाना। और थर्ड जब CCl2 अटैक कर जाएगा तो उस Cl के जो है Cl को रिप्लेस करके OH लाना, उससे CHO इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और लास्ट में भी एसिडिफिकेशन वाला पॉइंट भी बेटा याद रखना है, अगर सिर्फ बेसिक मीडियम ही रखोगे तो फिर बेसिक मीडियम में आपने यहां रोक देना है प्रोडक्ट। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी क्यों करते हो, क्या जरूरत होती है, तो अगर आप बोर्ड लेवल पर देख रहे हो ना तो यहां बात खत्म हो गई, बस ये खत्म हो गया, ये बोर्ड पर खत्म हो गया। और अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एक एक चीज की रिएजेंट की क्या क्या यूज हुआ, जो जो चीज आपने लाए हो उसने कहाँ कहाँ यूज किया, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, चलो आगे। यस सर। यहाँ पर आप ये भी नोट ले सकते हो, एक ऑन टेकिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एट प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट विल बी ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड अगर आपने क्लोरोफॉर्म की जगह
CCl4 ले लिया तो बिकॉज, और इसको बोलोगे आप राइमर टाइमान कार्बोक्सीलेशन, फॉर्मुलेशन की बजाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां अगर आप फिनोल लेते हो और CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हो वही KOH के साथ, तो प्रोडक्ट में आपने जो H है H की बजाय कार्बन का COH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है आपने, रीजन वही कि पहले तो HCl बाहर कर दो, ये वाला H और Cl बाहर कर दो आप सिंपल वे में अगर सोचो, तो उससे क्या बनेगा आपका यहां पर जो आपका बनेगा CCl3 कार्बन की 4 वैलेंसी, उसके बाद क्या बनेगा आपका या उसको एक स्टेप ऐसे ही बना दो CCl3 पूरा बना दो, फिर क्या होगा CCl3 में COH3 तीन Cl हटाओ तीन OH लगाओ फिर वाटर रिलीज हो जाएगा, COH और COH में भी ये H क्या होगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है इससे, तो पहले ये ऐसे आ जाएगा। वो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं बेटा, वो तो कितना मर्जी काम कर लो, ये तो ऐसा है एक एक रिएक्शन पे पूरा पूरा दिन लगा दो तब भी कम है CO नेगेटिव, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है अपना H उसको दे देगा, फिर एसिडिफिकेशन कर दोगे H3O पॉजिटिव कर दोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो अगर हम CCl4 ले लें, अगर हम CCl4 ले लें क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेते हैं तो CHO ना होकर के यहां से CHO इंट्रोड्यूस होता था, तो अब CCl4 ले रहे हो तो COH इंट्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोसेसिंग सारी वही है, तो COH आपने इंट्रोड्यूस कर देना। कैसे होगा वहां पर दो Cl थे या 3 Cl है तो 3 COH आएंगे, H2 निकाल के COH देना। तो इस रिएक्शन को आप राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, फॉर्मुलेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लोरोफॉर्म लेंगे तो अलग प्रोडक्ट और कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? यस सर। फिर नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा नेम रिएक्शन है कोलबे रिएक्शन। राइमर टाइमान रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन जो आपने लेना है वो आप ले लेना है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन जो है वो आपका स्पेशली फिनोक्साइड आयन का है, रिएक्शन ऑफ फिनोक्साइड आयन विद CO2, रिएक्शन ऑफ फिनोक्साइड आयन विद CO2 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव सैलिसिलिक एसिड। अगर आपको सैलिसिलिक एसिड बनता है मतलब डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बनाने का भी तरीका है अगर आप CO2 इंट्रोड्यूस कर लेते हो। अगर आप CO2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो हाई टेम्परेचर, बट इसके लिए कंडीशनल केस है बेटा, हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज करना पड़ेगा तो आप सैलिसिलिक एसिड बना लोगे। कोलबे रिएक्शन इसमें बेस्ट यह है कि आप फिनोक्साइड लो, फिनोक्साइड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा फिनोल अगर लाते हो
तो फिनोल लेते हो तो हमारे पास तो क्या है, सोडियम फिनोक्साइड वगैरह कुछ ले लो आप, जैसे Na ले लो या फिनोक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन CO2 से दे दो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो यहाँ H होता है, ये H रिप्लेस हो जाएगा, तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर वाली कंडीशन पहली तो है ही, और बाद में एसिडिफिकेशन और करना होता है, तो CH इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखना है इसमें। क्या आपसे पूछा जाएगा कोल्बी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो वो CO2 है। और इंटरेस्टिंग है कि CO2 कैसे है भाई, CO2 का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है। तो यहां एक बात है, अगर CO2 स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, ऐसे स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, लेकिन अगर आप इसमें हाई प्रेशर कर देते हो, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो ये क्या है, पोलर होने लग जाता है बोन, अनस्टेबल चीज बनती है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। जैसे ये पॉजिटिव होता है तो कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आ जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का एक्ट करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बेटा, इस इंटरेस्टिंग एग्जांपल की इंटरेस्ट क्या है कि CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। CO2 क्यों कर रहा है, ये सारा रोल हाई टेम्परेचर प्रेशर का है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर CO2 देखोगे तो ये स्ट्रक्चर होती है, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर करोगे तो उसका अनस्टेबल स्ट्रक्चर आएगा। चार्ज वाली स्ट्रक्चर हमेशा अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू अनचार्ज से, ये स्टेबल है बिकॉज अनचार्ज्ड है। जो अनचार्ज स्पीसीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं, और जो चार्ज्ड होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली जैसे ही अनस्टेबल चीज बनेगी तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि CO2 कैन एक्ट एज, तो आंसर दोगे इलेक्ट्रोफाइल, CO2 कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल आंसर दोगे। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा होगा, कई बार एल्कली वगैरह बना के फिर दे रखा होगा, फिनोक्साइड डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो फिनोल को एल्कली में डाल दो, फिनोक्साइड बन जाएगा, फिर फिनोक्साइड बना करके फिर CO2 से रिएक्शन कर दो, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा, कोल्बी रिएक्शन क्लियर? यस सर। दो चार चीजें ध्यान रखनी है कोल्बी में, CO2 याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल जो है CO2 है, और रिएक्टेंट डायरेक्ट फिनोल नहीं लेना, क्या लेना है इसके अंदर, CO2 फिनोक्साइड, फिनोक्साइड बेटा, डायरेक्ट फिनोल नहीं लेना, फिनोक्साइड लेना। बता सकते हो फिनोक्साइड क्यों लिया, डायरेक्ट फिनोल क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर फिनोक्साइड में रेजोनेंस अच्छा होता है। हाँ, फिनोल अगर डायरेक्ट लोगे तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस कैसे आएगी, अगर डायरेक्ट फिनोल ले लिया, ऑलरेडी CO2 बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका बहुत इलेक्ट्रोफाइल, और OH ले लिया तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रो रिचनेस जो होगा एक्टिवेट रिंग नहीं होगा, लेस एक्टिवेट रिंग होगा, ये रिंग जो हो जाएगा लेस एक्टिवेट हो जाएगा, तो कोल्बी रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको। इसलिए फिनोक्साइड को फिनोल में कन्वर्ट करना जरूरी है, और कन्वर्ट करने के लिए बेस डालना जरूरी है, जैसे फिनोल के अंदर NaOH या QH डाल देना, फिनोक्साइड आ जाएगा, फिर CO2 से रिएक्ट कर लेना। क्लियर, चलें आगे। पहला रिएक्शन राइमर टाइमर रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आपका कोल्बी रिएक्शन, कुछ हम इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं आज। अब अगर ये आ गया तो यहां से फिर नोट लिखते हैं, हमने इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखो सैलिसिलिक एसिड आपने राइमर टाइमान में भी बनाया और कोल्बे में भी बनाया, ये सैलिसिलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है।
ये सैलिसिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, या इसका आईयूपैक नाम लिखोगे तो ये आएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर डायरेक्ट बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन नहीं हो, तो फिर बेंजोइक एसिड रिटेन कर लिया आईपीसी ने, या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें अलग अलग कंडीशन देने पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सैलिसिलिक एसिड भी आपने इसको फॉर्म किया, दोनों जगह से देखा, राइमर टाइमान रिएक्शन में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेने पर बना, और आपने कोलबी रिएक्शन में भी देखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल कैसे है, सपोज इसकी रिएक्शन हम कुछ चीजों से कराते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन में एसिटिल क्लोराइड से करवा दूं, एसिटिल क्लोराइड मतलब होता है CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड करा दूं, तो एक चीज क्लियर है कि ये एसिड क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव है। तो एसिड डेरिवेटिव है बेटा, तो एसिड डेरिवेटिव एसिड वाले पार्ट पे रिएक्शन नहीं करेगा। यहां क्लियर है, यहां इसके पास दो टाइप के पार्ट हैं आपके पास, ये एसिड पार्ट है, ये आपका फिनोल पार्ट है या एल्कोहल पार्ट बोल सकते हो OH। अगर मैं एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करूंगा तो ये एसिड डेरिवेटिव जो यहां रिएक्शन करेगा, सपोज ए फर्स्ट, तो फर्स्ट ये इससे रिएक्शन नहीं कर सकता, एसिड से एसिड रिएक्शन नहीं करता, इसलिए एल्कोहल वाले पे ए रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन क्या होगी, इसका एच निकलेगा एल्कोहल का और इसका सीएल निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट देखो आपका बन जाएगा ओ के साथ। COCl बन जाएगा, इधर ये जो लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा COOH, CO CH3 CH3 CO, ये हमारे पास CH3 है, तो CH3 CO O ये लगा हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिटॉक्सी एसेट, CH3CO को एसेट, ओ है तो ऑक्सी, ऑर्थो एसेटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर हम एसिटिक एसिड से इसका रिएक्शन करवा देते हैं, अब एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराने के बाद देखो, अब एक चीज सोचते हैं, अगर इसी की रिएक्शन मेथेनॉल से करवा दें, अब मेथेनॉल खुद एल्कोहल है, ये दो वाला पॉइंट है, तो एल्कोहल वाला एल्कोहल वाले पार्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, एल्कोहल वाला पार्ट अपना एच निकालेगा, ओएच यहां वाला पार्ट करेगा, सेकंड पार्ट यहां रिएक्शन हो जाएगी, इसके ओएच को निकाल देगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब की बार एल्कोहल एल्कोहल से रिएक्ट नहीं किया, इसके सीओ के बाद इसका ओएच हटा करके और आपका एल्कोहल वाला लग गया ओ सी एच थ्री, ये बन गया आपका ओ सी एच थ्री, इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। तो एल्कोहल एल्कोहल वाले हमेशा एक तो बात याद रखना, एक एल्कोहल होगा एक एसिड होगा जब भी रिएक्शन होनी हो, रिएक्शन में तो क्लियर अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ाया, एल्कोहल हमेशा एच निकालेगा और एसिड हमेशा ओएच निकालेगा, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है रिएक्शन करते टाइम आपने, दूसरा ये ध्यान रखना है एल्कोहल आ रहा है तो एल्कोहल वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, एसिड वाले पार्ट पे जाएगा, और एसिड आ रहा है तो एल्कोहल वाले पार्ट पे जाएगा। जैसे ऐसे ही इसी रिएक्शन को हम सपोज फिनोल से करवा देते हैं, इसी रिएक्शन को हम फिनोल से करवा देते हैं, सी सिक्स
H5OH, तो ये भी तो अल्कोहल जैसा है, अल्कोहल जैसा है तो अल्कोहल वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, थर्ड वाला, ये थर्ड है तो थर्ड वाला भी यहां जाएगा एसिड वाले पार्ट पे, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा आपका। सर सर इसका नाम मिथाइल सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए ना, क्योंकि वो एसिड डेरिवेटिव। अब एस्टर बन गया ना, अब COOCH3 है, एस्टर बन गया ये, तो एस्टरों के नाम ऐसे ही देते हैं, सैलिसिलिक एसिड से मिथाइल का एस्टर बन गया, तो मिथाइल सैलिसिलेट। जैसे ये एग्जांपल ले लूं मैं, इसका नाम है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं CH3COOCH3, तो इसका नाम मिथाइल एसिटेट हो जाएगा। अब मिथाइल एसिटिक एसिड नहीं होगा इसका, ऐसा कोई नाम नहीं होता, मिथाइल एसिटेट हो जाएगा, एस्टर बन गया, समझ गए। तो ये एसिटिक एसिड, अब इसको अगर ये बनाऊंगा तो मिथाइल एसिटेट बनेगा, ये मिथाइल एसिटेट कॉमन नेमिंग है, यायुपैक नहीं है, कॉमन है। तो जो ये आते जाए तो वैसे वैसे याद करते जाओ, क्योंकि अभी तो ये आपको जो ट्वेल्थ वाला है तो ट्वेल्थ में ही चलना पड़ेगा, अभी इलेवंथ में तो जा नहीं सकता वैसे खाने नेमिंग, तो इसलिए आपको यहाँ याद करते जाओ मिथाइल सैलिसिलेट। अब फिर देखो इसका नाम आ गया, लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं आपको सिखा दूंगा तो उसमें आपके काम चल जाएगा आपका। जैसे ये CO है तो देखो मेथेनॉल है तो आपकी बार मेथेनॉल CO मेथेनॉल जाएगा तो OC6H5। अब देखो इसका नाम क्या दोगे बताओ मुझे, इसका नाम क्या दोगे आप? बेंजीन सैलिसिलेट। बेंजीन नहीं बेटा, फिनाइल, फिनाइल ग्रुप हो गया, अब ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप है ये, नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों को। फिनाइल C6H5 को फिनाइल बोलेंगे, आपका ये हाल है तो बाकी बच्चों का क्या होगा समझ नहीं आ रहा। फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, ऊपर वाले का मिथाइल सैलिसिलेट था तो इसका नाम फिनाइल सैलिसिलेट आ गया। ऐसे ही अगर हम क्या करें इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दें, इसका हम पूरे का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, और हीट भी कर दो तो वो तो क्या करेगा, हीट करके CO2 को ही बाहर निकाल देगा, और वेरी इंटरेस्टिंग ये जो आपका ये प्रोडक्ट बना देगा ब्रोमीन वाटर, ये सब जगह CO2 निकाल के फिनोल को बना देगा, और बाद में अपनी जहां जहां ब्रोमीन लाना है वो ब्रोमीन ले आएगा, CO2 ही बाहर हो जाएगा। तो आप देखो 4 इंपोर्टेंट रिएक्शन आपके सामने रखी है, इसमें जो पहली आप देख रहे हो ये सब मेडिसिन है, जो मैंने आपके सामने रखी है ये सारे केमिकल है, इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसलिए मैंने बोला था कि इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर सैलिसिलिक एसिड, कुछ तो डेली लाइफ वाले चैप्टर में आती है। तो देखो पहला, देखो इधर ये लिखा मैंने ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, तो ये जो है वो एस्प्रिन टेबलेट है, एस्प्रिन जो टेबलेट होती है वो ये वाली है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है एस्प्रिन टेबलेट का, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि ये सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन से बना है, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे मतलब एसिटिल क्लोराइड से करेंगे तो एस्प्रिन बनेगा। ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल पढ़ के आए हो आप, 2,4,6 ट्राई व्हाइट पीपीटी, यस ब्रोमोफिनोल, तो ये व्हाइट पीपीटी दे देगा, ये आपका व्हाइट पीपीटी बना देगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इधर से देखो दो केमिकल सैलिसिलेट वाले दिए थे, एक मिथाइल सैलिसिलेट होता है, इसको बोलते हैं विंटर ग्रीन ऑयल, मिथाइल सैलिसिलेट एक केमिकल है, विंटर ग्रीन ऑयल बोलते हैं इसको, विंटर ग्रीन ऑयल, और जो फिनाइल एसिटेल है इसको बोलते हैं सलोल, ये कंपोनेंट ऑफ डिटोल होता है, डिटोल की जो है छोटी बोतल देखना, डिटोल के ऊपर लिखा होगा सलोल, वो सलोल यही केमिकल है जो डिटोल होती है, सलोल कंपोनेंट ऑफ डिटोल। तो देखो हम ट्राई तो मैंने किया है कि आपको एक दूसरी चीज से रिलेट करवाऊं, पहले मैंने आपको दो नेम रिएक्शन करवाई, कौन सी नेम रिएक्शन की थी बेटा आपने? राइमर टीमेन और कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमेन का जो सेकंड पार्ट था और कोल्बे का, कोल्बे रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना? सैलिसिलिक एसिड, दोनों acid. और इस सैलिसिलिक एसिड की अगर आप एसिड से ही रिएक्शन कराओगे तो इसको फिनोलिक पार्ट पर रिएक्शन होगी,
और अगर एल्कोहलों वालों की रिएक्शन कराओगे तो इसके एसिड वाले पार्ट पर रिएक्शन होगी, और कोई भी एसिड और बेस रिएक्शन होगी तो रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी एसिड, ये फिनोल एसिड बेस एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एसिड का OH निकलता है, ये पिछले दिनों मैंने करवाई है रिएक्शन एल्कोहल वाली, एल्कोहल का H निकलता है। तो इसमें देखो आपने जो मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हो आप, मेथेनॉल या फिनोल, मेथेनॉल या फिनोल वाला पार्ट कहाँ रिएक्शन कर रहा है सैलिसिलिक एसिड के, देखो मेथेनॉल या फिनोल वाला कहाँ कर रहा है सैलिसिलिक एसिड के एसिडिक पार्ट पर, एसिडिक पार्ट पर रिएक्ट कर रहा है, COH ग्रुप पे पार्ट कर रहा है, OH को हटा रहा है और अपना OCH3 या OC6H5 लगा रहा है। अगर वो दोनों साइड एस्टर, सब जगह एस्टर ही बनने हैं जब भी रिएक्शन करना है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों एस्टर बन रहे हैं, राइट साइड में भी ऊपर आपका एस्टर बन रहा है। तो ईस्टर में देखो आप जब भी OCH3 से बनेगा तो इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट, और ये मिथाइल सैलिसिलेट जो है आपका मिथाइल सैलिसिलेट है और फिनाइल सैलिसिलेट है। तो मिथाइल सैलिसिलेट का कॉमन नाम देखो क्या दिया है मैंने, तो बताओ अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंटर ग्रीन ऑयल, तो रटने की बात थोड़ी ना है, लोग सोचते हैं कि इसको रटना पड़ गया विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल आपको प्रोसेसिंग बनाने की आती है और उसमें आपने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं तो हेल्प हो जाएगा आपको, विंटर ग्रीन ऑयल का फार्मूला देख के बता दोगे आप, नहीं तो कहते रहोगे सर इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना लोगे, विंटर ग्रीन ऑयल या कंपोनेंट ऑफ डिटोल मिथाइल सैलिसिलेट या कंपोनेंट ऑफ डिटोल जो है सलोल है उसका देखो क्या रहा है, कंपोनेंट ऑफ डिटोल में सलोल में फिनाइल सैलिसिलेट, एस्प्रिन, एस्प्रिन देखो टेबलेट, एस्प्रिन टेबलेट, समझ आ रहा है ना बेटा, एस्प्रिन टेबलेट, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा एस्प्रिन टेबलेट, लास्ट वाले चैप्टर जो आपके हैं वो डेली लाइफ वाले यूज में ऐसे केमिकल ही तो है, वहां पर डिटोल है एस्प्रिन है, तो ये एस्प्रिन बन रहा है देखो आपका एस्प्रिन, तो एस्प्रिन बस आपको ध्यान क्या रखना है सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करना है आपने, तो अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है तो चाहे फिनोल की हो चाहे सैलिसिलिक एसिड को की हो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा, कर लोगे सर। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गायब क्यों हो गया जब ब्रोमीन से कराई है तो, हीट किया ना, हीटिंग भी दे रखा है सिंबल देखो ट्रायंगल का, और दूसरी जब COH हटेगा तभी तो उस जगह पे ब्रोमीन आएगा, ब्रोमिनेशन तो बहुत बेस्ट तरीके से देता है ना फिनोल वाला, ऑर्थो पैरा मेटा सब के ऊपर, ब्रोमीन वाटर है BR पॉजिटिव हाई कंसंट्रेशन में आएगा, पहली रिएक्शन देखी है आपने पिछली क्लास में, क्लियर चले बेटा आगे, हो गया याद या आइडिया आ गया कैसे करना है, बाकी जब तक खुद लिख के नहीं करोगे ना, अब देखना तो बड़ा आसान लगता है, नोट्स बनाने भी आसान लगते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा ये है कि जब खुद करने बैठे तब मिसिंग होगा, अरे ये कैसे होगा कहाँ लगाऊं, तो खुद जितना अपने अभी जैसे यहाँ बना के देखा हमने, फिर आप इसको दो दो चार चार बार बना के देखो, एटलीस्ट दो दो तीन तीन बार तो बहुत जरूरी है, जब हाथ से बनाओगे तभी आपको पता लगेगा कि आप गलती क्या करते हो, मिस्टेक्स क्या होती है, मिस्टेक्स का आइडिया तभी लगेगा आपको। चलो फिर नेम रिएक्शन पर चलते हैं इसकी आगे, फिर देखो बेटा आप इसका रिएक्शन ले लो, फिर नेम रिएक्शन लेते हैं, हमें एक नेम रिएक्शन ले लेते हैं इसकी, सपोज इसको बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट, ये नेम नहीं पूछे जाएंगे, नेम ऊपर वाले दोनों पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं डाल रहा, बस वैसे ही लिख रहा हूं। फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या है कि जैसे आपके पास बेटा ये फिनोल है, अब सोचना जरा इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये मेरे पास फिनोल है, फिनोल की सपोज मैं रिएक्शन करा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड किसी से भी CH3COL वाले किसी भी ग्रुप से रिएक्शन करवा दूं, चाहे तो इससे करवा दूं क्योंकि मुझे पार्ट तो ये देखना है, या मैं ये ले लूं, तब भी यही पार्ट है बेटा, मतलब यहाँ ये निकलने वाला ग्रुप है यहाँ ये निकलने वाला ग्रुप है, तो इन दोनों केसेस में बता सकते हो मेरे पास रिएक्शन क्या होगी, अभी अभी बताया मैंने बेटा थोड़ी देर पहले आपको, क्या रिएक्शन होगा सर, ये
दोनों ही एसिड वो डेरिवेटिव है ना, अल्कोहल ग्रुप पे जाके रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा। तो ये देखो, ये है एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, नीचे वाला है। मैं दोनों जगह ही रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपकी जो होगी वो SN रिएक्शन ही होगी दोनों जगह। वो इसका H निकलेगा और इसका लिविंग ग्रुप जो मैंने निकाले हैं वो निकलेंगे, तो दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट तो ये बन गया ना। O CO CH3 O CO CH3। तो ये रिएक्शन आप जैसे पहले पढ़ के आए हो वैसे ही आपने एसिड डेरिवेटिव से किसी से भी रिएक्शन करनी है तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है आपका। अब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है तो ये जो एस्टर है इसका नाम देखो क्या होगा, फिनाइल एसिटेट होगा इसका नाम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम जो कॉमन नेमिंग लिखेंगे वो होगा फिनाइल एसिटेट। अगर इस फिनाइल एसिटेट को, बस यही रिएक्शन याद करनी है हमने, फिनाइल एसिटेट का अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो ये वाला जो ग्रुप है, या तो अब ये एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना आप, ये अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, ये जो सी पॉजिटिव वाला ये पार्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन दे सकते हो या यहां पर सब्स्टिट्यूशन दे सकते हो, तो ये एच आपके रिप्लेस हो सकते हैं। तो फिनाइल एसिटेट को एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आपका जो ऊपर वाला है एच को ट्रांसफर कर देगा, मतलब OH बन जाएगा, और नीचे COCH3 ऑर्थो पोजीशन पर, या COCH3 मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। और ये देखो, ये जो COCH3 है, ये जो आपके नीचे वाले हैं, ये कीटोन है, CO पर एक साइड ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, तो ये चीज आपके कीटोन बन रहे हैं। तो मिथाइल, जैसे मिथाइल फिनाइल कीटोन है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनाइल कीटोन बन रहे, तो इस रिएक्शन को फ्रीज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। फ्रीज रीअरेंजमेंट आपको ये याद रखना है बस, अब ज्यादा मथामारी नहीं करनी इसमें, क्योंकि जहां करनी थी मैंने बता दी आपको ऊपर वाली रिएक्शन में। इन जनरल फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एसिटेट, एक तरह से बेटा फिनाइल एसिटेट एस्टर है, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एसिटेट मतलब एस्टर इनटू किसमें, अब देखो मैं आगे चल के आपको अभी एक बताऊंगा कि कीटोन दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं एसिटोफिनोन और एक होता है बेंजोफिनोन। एसिटो, ये एसिटोफिनोन है, तो इनटू ऑर्थो या हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटोफिनोन, पता कर लेना क्या है, एसिटोफिनोन कीटोन है, एसिटोफिनोन तो छोटे छोटे टुकड़ों में याद करोगे ना ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद हीटिंग। देखो व्हाट इज द फ्रीज रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन है तो किसका, पहले तो ऐसे याद करो, पहले पॉइंट ये याद करो कि फ्री अरेंजमेंट किसका किसमें कन्वर्जन है, एस्टर का फिनाइल एसिटेट का हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन में, फिनाइल एसिटेट का, या उससे भी अगर ABCD मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर जाना चाहते हो तो पहले याद करो एस्टर का कीटोन में है, एस्टर का कीटोन में, अब कौन से एस्टर का फिर याद करना है, फिनाइल एसिटेट का, फिनाइल एसिटेट का ये फार्मूला है ऊपर, फिनाइल एसिटेट का, फिनाइल एसिटेट को हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करता है, तो फिनाइल एसिटेट का जो ग्रुप है उसको उठा के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ले आता है एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज नोन एज फ्रीज रीअरेंजमेंट, दिस इज नोन एज फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो फ्रीज रीअरेंजमेंट, अब यहां पर ये फार्मूले बेटा हो सकता है कि कुछ बच्चों को जिसको
इलेवेंथ में कुछ भी क्लियर नहीं है नाम वाम, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो वो इनको ऐसे याद करेंगे, उनके लिए लिख रहा हूं मैं, जो ये चीजें इधर लिख रहा हूं ना मैं, कि कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एसीटेट मतलब एस्टर इनटू हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, बस एक वन वन वर्ड में याद हो जाएगा। फिनाइल एसीटेट का फार्मूला होगा तो यहां से बनाना सीख लो, फिनोल का एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो थोड़ी हेल्प और मिल जाएगी, तो फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। फिनाइल एसीटेट बन गया मतलब ये फिनोक्साइड आयन का फिनाइल है, फिनाइल के ऊपर एसीटेट ग्रुप डाल दो तो COCH3 डाल दिया, तो ये फिनाइल एसीटेट हो गया। और कन्वर्जन करना है आपको, इस COCH3 को कुछ नहीं करना बेटा, इस COCH3 को सपोज पैरा वाला हाइड्रोजन हटा के ऊपर ले जाओ, ट्रांसफर कर दो, ये इधर कर दो, हो गई रिएक्शन याद। मतलब जो बिल्कुल भी अनाड़ी है वो भी ऐसे याद कर लेना, जिसको अनाड़ी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेवंथ में उसका बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है तो ऐसे याद कर लेना, ये कीटोन बन गया। तो ये आपका पहले वाला फिनाइल एसीटेट और दूसरे वाला आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो फिनाइल एसीटेट का ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या तो रिएक्शन लिखी होगी आपको, रिकॉग्नाइज करना है रिएक्शन लिखा हुआ है, या फिर आपको बनाना होगा, किसी ना किसी तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ आपके अभी वैसे आएगा, उसमें बताऊंगा अभी मैं, कि एक एसिटोफिनोन होता है, एक बेंजोफिनोन होता है, ये दोनों कीटोन है। एसिटोफिनोन में एसिटो ग्रुप CH3CO को एसिटो ग्रुप बोलते हैं, ये एसिटो है। फिनोन मतलब इस CO के साथ फिनाइल ग्रुप लगा दो, ये एसिटोफिनोन बन गया। एसिटो कीटोन है इसलिए फिनोन बोल दिया आपने। बेंजोफिनोन, बेंज ग्रुप CH3 की तरह बेंजीन लगा दो, बेंजीन के साथ अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ लगाते हो तो ये बेंजो हो जाता है, और इसके साथ फिर फिनाइल लगा देते हो तो फिर फिनोन हो जाता है वो। तो एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन दोनों कॉमन नेम है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों आपके कॉमन नेम है लेकिन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो फार्मूले आपको याद करने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करना ही पड़ेगा आपको, कि आएगा नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा अगर ये फार्मूला आपको, ये फार्मूला ये नाम नहीं आया तो। तो बेटा रिवाइज करो एक बार, व्हाट इज द फ्रिज रीअरेंजमेंट, वन 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 लाइन में आंसर दो इसका, व्हाट इज द फ्रिज रीअरेंजमेंट। सर फिनाइल एसीटेट का कन्वर्जन होना, हाँ किसके अंदर कन्वर्ज होना, फिनाइल एसीटेट का, यही चीजें तो याद करनी होंगी ना, एग्जामिनर तो लिख देगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन में वो भी एनहाइड्रस, बस बाकी अपने आप हो जाएगा, एनहाइड्रस CCl3। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद किया करो, फिर देखो हमेशा रिएक्शन याद करने का यही तरीका है, पहले रिएक्टेंट याद करो और प्रोडक्ट याद करो, फिर उसमें देखो रिएजेंट क्या है, फिर अपने आप उसका मैकेनिज्म जरूरत पड़े तो याद करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में सभी की नहीं है। तो कितनी रिएक्शन नेम रिएक्शन होगी बेटा अभी तक देखो आपकी, सर थ्री थ्री रिएक्शन होगी, पहली दोनों जो है राइमर टाइमान और कोलबे, और फिर हमने किया फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्री रीअरेंजमेंट में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, फिनोल की इनडायरेक्ट है, कि फिनोल का पहले एस्टरीफिकेशन करें, एस्टर बनाए फिनोल का, उस एस्टर को कीटोन में कन्वर्ट करें, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो फ्रीज रीअरेंजमेंट है, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एसीटेट इंटू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ है, बस एक ग्रुप दूसरी जगह चला गया है, इसलिए इसका नाम देखो क्या बोला है उसने, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इसीलिए बोला जाता है कि अंदर ही अंदर कोई चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस क्या हुए हैं ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, हर तरह से ट्राई किया है मैंने कि आपको याद हो जाए, COCH3 ग्रुप H की जगह चला जाए तो ऊपर OH आ जाए, नीचे COCH3, तो एस्टर कीटोन में कन्वर्ट हो गया। एस्टर जब कीटोन में कन्वर्ट होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फिर ये आती है आपकी क्लेजन। क्लेजन कोप रिएक्शन, क्लेजन कोप रिएक्शन, इसमें ये एक्चुअल में क्लेजन कोप रिएक्शन ये भी क्या है कि जैसे पहले फिनोल है, फिनोल की CH2CH
CH2 Cl से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से ये वैसे डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं होती, पहले COCl से रिएक्शन होती है, फिर यहां पर हम इसको ऐसे रिएक्शन मत दो, ऐसे दो इसका, क्योंकि ये तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा ना क्लोराइड। ये फिनोल अगर हम ये स्पीसीज दे देते हैं सीधा CH2 वाली, तो ये स्पीसीज क्या करती है, इसके एच को निकाल के इस पे रिएक्ट कर जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला रिएक्शन। मतलब ये दोनों फिर एक जैसी टाइप की रिएक्शन है, ऊपर जो हमने की है ये क्लेजन वाली और ऊपर जो हमने की है फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो ये देखो ओ CH2 CH डबल बोन CH2 आ जाएगा। सपोज यहां पर मैं एक स्टार भी लगा देता हूं इस वाले CH2 पर, ये स्टार वाला CH2 ये रहा, इसका नाम भी क्लेजन क्लोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट से याद रखना, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपने करना क्या है, यहां पर अगर ये वाली पोजीशन है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन है पैरा, अगर ऑर्थो खाली है तो आपके पास ये तीन कार्बन, ओ के बाद थ्री कार्बन काउंट कर लेने, सबसे सिंपल वे, नो नीड ऑफ मैकेनिज्म, तीन कार्बन देख लेना। इस तीन कार्बन में जो ओ के पास वाला कार्बन है अगर ये अटैच करना है तो ये गोज एट पैरा पोजिशन, इसको अटैच करवाना हो तो पैरा पोजीशन पे ले जाना, और ये जो 1 2 3 जो आपस में ओ से अटैच के बाद तीसरा नंबर काउंट कर लेना, इस पर स्टार लगाया है, इसको भेजना हो कार्बन को तो गोज एट ऑर्थो पोजीशन, घुमा देना बस। तो जब भी आपको करना हो, सपोज मैंने यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे ले जाना है, पैरा पहले ऑर्थो पे ही जाएगा, पैरा अगर पैरा ऑक्यूपाई होती है तब ऑर्थो ऑक्यूपाई होती है तब पैरा पोजीशन पे जाएगा, जैसे पहले अभी ऑर्थो है तो ऑर्थो प्रेफर करेगा, वो ऑर्थो प्रेफर करेगा तो प्रोडक्ट देखो, जैसे ही आप इसको हीट करोगे सिंपली हीट, तो सिंपली हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ओ यहां वाला एच अटेगा, ओ के साथ चला जाएगा और वो ग्रुप आ जाएगा, लेकिन उस ग्रुप में घूम के आएगा ये वाला, मतलब जो मैंने लिखा है गोज एट ऑर्थो पोजीशन, तो ऊपर वाले ओ पर एच और इधर स्टार वाला CH2 इधर, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो होती है ये रीअरेंजमेंट है, इसको क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ये वाला आपका क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अगर ऑर्थो पोजीशन नहीं है तो सिंपली इसमें क्वेश्चन आएगा तो जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा, मैंने ओ दे दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिया और मैंने क्या यहां स्टार लगा दिया और ये पोजीशन मैंने ऑक्यूपाई कर दी, दोनों आर एच आई नहीं यहां पे, अब एच नहीं है तो अब बेटा एच कहां पर होगा, आपको कहां से एच रिप्लेस करोगे, देखो जरा आप, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन तो है नहीं, ऑर्थो पर तो एच है ही नहीं, तो एच तो यहां रहा, यहां रहा तो अब यहां भेजना है, पर यहां जब भी भेजना हो तो सीधा यहां से उठा के कट कर देना, आपको ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म हो जाएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, यहां कंफ्यूजन मैं नहीं क्रिएट कर रहा, मैं सीधा कह रहा हूं ओ को एच के पास भेज देना, अगर पैरा पर भेजना हो जहां से ओ से हटाया है, ये देखो यहां लिखा भी है मैंने गोज एट पैरा पोजिशन, ये कार्बन जब भी होगा गोज एट पैरा पोजिशन और तीसरा वाला कार्बन होगा तो गोज एट ऑर्थो पोजिशन, तो आप ऐसे लगा दे, सबसे सिंपल तरीका, और कोई रीअरेंजमेंट दिखाना है आपने, बस फर्क ये है कि इस बार देखो रीअरेंजमेंट किसका हुआ, आप ये देखोगे जो मैंने ऊपर लिया है ये एलाइलिक ग्रुप है और ये एराइल है या फिनाइल कुछ भी बोल दो, तो इसका मतलब ये कन्वर्जन है ईथर का, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलाइल ईथर इंटू एलाइलिक फिनोल, वापिस फिनोल बन रहा है, देखो एलाइलिक फिनोल, तो दोनों में देखो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। आपने फ्रीज रीअरेंजमेंट किसको किसमें कन्वर्ट किया था बेटा, देखो फ्रीज रीअरेंजमेंट सिंपल वर्ड में
फिनाइल एसीटेट को सर एस्टर को, सिंपली बोलो भी बाद में अपने आप याद आ जाएगा कि भाई वो कौन सा एस्टर एस्टर को था। एल्कोहल, एस्टर को कीटोन में, एल्कोहल में नहीं, एस्टर को कीटोन में कन्वर्ट किया था। एस्टर को जब आपने कीटोन में कन्वर्ट किया था, किसके एस्टर, फिनोल के एस्टर को, फिनोल के एस्टर को जब फिनोल वाले कीटोन में कन्वर्ट किया था, तो उस रिएक्शन का क्या नाम था आपका, फ्रीज रीअरेंजमेंट। अब आपने हाँ फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब आप क्या कर रहे हो, फिनाइल के ईथर को, फिनाइल एलाइल ईथर को एलाइलिक फिनोल में कन्वर्ट कर रहे हो। ईथर अब की बार ईथर है, फिनोल में जा रहा है, फिनाइल एलाइल ईथर को एलाइलिक फिनोल में कन्वर्ट कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर पैरा पोजीशन पर भेजना है तो ग्रुप को पूरा का पूरा उठा के वहीं लगा दो। ग्रुप जो है जहां से उठाया है वहां से पैरा पोजीशन पे ले जाना है तो वहीं पे लगा दो, ऑर्थो पोजीशन पे लाना है तो थर्ड वाले कार्बन को अटैच कर दोगे। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, ये रिएक्शन दिया बेटा, यहां हीट किया, दोनों के प्रोडक्ट बना के दिखाने, एक ये लिया, ये हीट किया, दोनों के प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान देना है सिर्फ लेबलिंग वाले कार्बन का, पहले वाले का क्या बनाना है, दूसरे वाले का क्या बनाना है। सर पहले वाले पे जो एलाइल ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पर ही आ जाएगा, दूसरे वाले में पैरे पर आएगा। पहली बात तो ये होगी, पहले वाले में ऑर्थो पे आ जाएगा, दूसरे वाले में ऑर्थो पे एच है ही नहीं तो वहां नहीं हो सकती रिएक्शन, पैरा पे जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अटैच कौन सी जगह करोगे आप। पॉइंट ये है कि कार्बन पर एक पर स्टार लगा हुआ है, एक पर स्टार नहीं लगा हुआ, तो आपने जो अटैच करना है बेंजीन रिंग पर सर वो जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं हो, देखो, यहां नहीं, डबल बॉन्ड तो बाद में बन ही जाएगा बेटा। आप ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप में पहला अटैक आपको ऑर्थो का ही देखना है, तो ऑर्थो जगह मेरे पास खाली है, तो ऑर्थो पर जो जाएगा ये वाला कार्बन जाएगा, थर्ड वाला, ओ के साथ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3, थर्ड वाला जो है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस रीजन से है। तो ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं ले जा रहा, मैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ कि सही क्वेश्चन हो जाए, एटलीस्ट इस लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका हो जाए, तो कार्बन विदाउट मैकेनिज्म हो जाए, तो ये वाला जो कार्बन है ये कहाँ जाएगा, गोज एट ऑर्थो पोजिशन, तो यहां से ये बनाओगे तो उसको घुमा के ओ एच ऊपर जाएगा, ये घूम के आएगा यहां पर कार्बन, ये लगेगा यहां, ये आ जाएगा CH2 विदाउट स्टार वाला, CH डबल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड तो मूव कर ही जाएंगे, स्टार वाला यहां आ गया। लेकिन अगर R पोजीशन नहीं है तो आपके पास फिर ये जाएगा, क्योंकि पहले ये वाला यहां जाएगा, यहां जगह नहीं मिलेगी तो वापस पलट जाएगा, फिर ये वाला यहां चला जाएगा। तो हमने ये इसीलिए ये पॉइंट कहा था कि ये वाला कार्बन जो है ये गोज एट पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, पैरा ऑर्थो नहीं होगी तो पैरा पर जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ओ एच आर आर। तो जहां बस उठा के सीधा रख देना, पैरा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उठा के सीधा रख देना है CH2, स्टार कहां लगा हुआ था देख लो, इधर वाले पे, ये प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम ध्यान देना है कि कार्बन कहां से अटैच करना है। तो दो आपके फिर रिएक्शन आ गई एक जैसी सी, दिखने में एक जैसी सी लगेंगी लेकिन एक जैसी है नहीं। एक में आपका जो है एस्टर से कीटोन में कन्वर्जन है फिनोल वाले, और दूसरे में जो है ईथर से फिनोल के अंदर ही कन्वर्जन है, एलाइलिक फिनोल के अंदर कन्वर्जन है। दोनों रीअरेंजमेंट है, दोनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, बस वहीं के पार्टिकल को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज करना है आपने। इसके बाद एक रिएक्शन आपका आता है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन,
ऑफ फिनोल, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल. फिनोल देखो खुद स्लाइटली एसिडिक है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल खुद जो है स्लाइटली एसिडिक है, इसलिए इन स्लाइटली बेसिक मीडियम. ये जो आपका जाएगा ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में जाएगा, स्लाइटली बेसिक मीडियम. फिनोल इन स्लाइटली बेसिक मीडियम में रहेगा ये. तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल इन स्लाइटली बेसिक मीडियम में, तो ये कपलिंग रिएक्शन होता क्या है? देखो कपलिंग रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये कपलिंग रिएक्शन में पहले आपको क्या होता है कि ये डाइजोनियम साल्ट होता है N2Cl, फर्स्ट रिएक्शन में देखा था आपने, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अगर हम फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिनोल के भी पैरा पोजीशन, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा है. देखो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, अगर आप ध्यान देंगे तो देन जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है. ये फिनोल है आपका, ये आपका फिनोल OH, तो फिनोल की ये पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन पर ये वाला N2 इलेक्ट्रोफाइल का एक्ट करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. तो ये N2 पॉजिटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और H को निकाल देगा, इधर से Cl निकल जाएगा. तो N2 पॉजिटिव इधर से निकल जाएगा, तो यहां देखो ऐसे अटैच करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा. देखो ये बेंजीन, दो नाइट्रोजन है बेटा, N डबल बॉन्ड N, ये फिनोल. अब आपको फिनोल के साथ रिएक्शन दी है, देखो पैरा पोजीशन पर फिनोल के साथ रिएक्शन दी है, तो फिनोल खुद एसिड है, तो स्लाइटली बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब पीएच थोड़ा सा ज्यादा ले लिया करो, मतलब स्लाइटली बेसिक है तो न्यूट्रल 7 होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, 8-9 ले लो पीएच, 8-9 पे ये रिएक्शन होगी. तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें देखो आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं इस रिएक्शन को, इधर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये जो होता है ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंशन में, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. और जब भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है तो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन. जब विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उससे क्या होता है, वो कलर्ड दिखाई देता है मटेरियल, विजिबल रीजन, तो इसलिए ये कलर्ड मटेरियल होता है, और कलर्ड मटेरियल को डाइज बोलते हैं हम, कलर्ड मटेरियल, ये कलर्ड मटेरियल बनता है, इनको कलर्ड मटेरियल को ही क्या बोलते हैं हम, डाइज. और ये जो डाइज है बिकॉज अभी ओ के साथ एच पड़ा हुआ है तो ये आपकी एसिडिक डाइज है, एसिडिक डाइज. तो फिनोल जो बना यूज होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपल होता है, तो इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं. तो फिनोल डाइजोनियम साल्ट के साथ जो है डाइज बनाता है, इन डाइज को एसिडिक डाइज बोलते हैं. एसिडिक डाइज बनाने के लिए पीएच जो होता है वो स्लाइटली बेसिक मीडियम होता है, तो पीएच हमारा 8 से 9 यूज करते हैं. तो दैट इज द कपलिंग रिएक्शन. इस रिएक्शन को एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, अगर फिनोल की बजाय आपने एनिलीन ले लिया तो एनिलीन में सेम रिएक्शन होगा, बट एनिलीन क्या है वो स्लाइटली बेसिक है, तो वहां पर मीडियम आप स्लाइटली एसिडिक ले लोगे, है रिएक्शन कपलिंग, फिनोल की भी होती है
एनिलीन की भी होती है, एनिलीन जानते हो ना बेटा, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, एनिलीन का फार्मूला OH की बजाय NH2 लगा दो, अगर OH की जगह NH2 लगा देते हो तो वो हमारे पास एनिलीन हो जाता है, OH की जगह NH2 लगा दो तो एनिलीन हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना होगा जब आप एनिलीन लगाओगे, आप कपलिंग रिएक्शन एनिलीन करोगे तो डाइजी बनेंगी, सब कुछ यही होगा, बस दो क्वेश्चन के आंसर बदल जाएंगे, बिकॉज वहां पर आप एनिलीन ले रहे हो, नॉट कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन, क्योंकि एनिलीन इटसेल्फ क्या है, क्या बोलोगे एनिलीन को इटसेल्फ, स्लाइटली बेसिक बेसिक, इसलिए कौन से मीडियम में रिएक्शन जाएगी, इन एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक, ये एसिडिक मीडियम ऐसे नहीं आएगा, मीडियम पीएच देगा वो, स्लाइटली एसिडिक मीडियम गिव्स डाइज, ये भी देगा लेकिन कौन सी डाइज देगा, ये मीडियम गिव्स, क्योंकि एनिलीन तो बेस होता है ना खुद, तो बेसिक डाइज, वहां पर आपको बेसिक डाइज मिलेंगी, है वो भी कपलिंग रिएक्शन, ये भी कपलिंग है वो भी, बस फर्क इतना है कि वहां पर आप डाइजोनियम जो एनिलीन लोगे तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एनिलीन के साथ रिएक्शन करोगे, सपोज आपका एनिलीन हो गया, सपोज ये ले लिया एनिलीन NR, तो ये HCl बाहर हो गया, अब ये खुद बेसिक है इसलिए यहां पर पीएच स्लाइटली एसिडिक ले लेना, स्लाइटली मतलब एक दो नीचे ले लेना 7 से, तो क्या इतना आ जाएगा 5 से 6 आ गया पीएच, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस पीएच पर प्रॉपर रिएक्शन होगी, फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट किस पीएच पर करेगा और एनिलीन के साथ किस पर करेगा, बनेगी डाइजी, वही है एन डबल बॉन्ड एन, वही अटैच हुआ पैरा पोजिशन पर, NR2 हुआ, तो ये है वही कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक्सटेंडेड, लेकिन अब की बार NR2 है, नाइट्रोजन वाला है, तो बेसिक है इसलिए इसको आप बेसिक डाई बोलोगे, वैसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेसिक डाइज फॉर्म बाई, सिर्फ रिएक्टेंट लिखे होंगे, रेजेंट लिखे होंगे, तो बताओ बेटा पहली बात मुझे ये बताओ, कपलिंग रिएक्शन में आप क्या यूज करते हो, सर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करते हो, तो बेंजीन जो डाइजोनियम क्लोराइड तक बनना जो होता है आपने पहले रिएक्शन में किया है उसको डाइजोटाइजेशन बोलते थे, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते थे हम, डाइजोटाइजेशन, तो डाई मतलब टू, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन वाला साल्ट लेते थे आप, तो दो नाइट्रोजन वाला जो सॉल्ट लेते थे वो दो नाइट्रोजन वाला आगे सॉल्ट वो आपका फिनोल या फिर एमीन के साथ जाएगा, फिनोल या एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिनोल खुद एसिडिक है तो स्लाइटली बेसिक मीडियम ले लेना, एनिलीन खुद बेस है तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम ले लेना, दोनों ही कपलिंग रिएक्शन है, दोनों में डाइज बनेंगी, फिनोल वाली डाइज को आप एसिडिक डाइज बोलेंगे और एनिलीन वाली डाइज को आप बेसिक डाइज बोलेंगे, क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को बताओ, कपलिंग रिएक्शन, फिर दो रिएक्शन, देखो मैं नेम रिएक्शन में दो दो लेता हुआ चल रहा हूं मैं, पहली दो कौन सी बताई मैंने नेम रिएक्शन बेटा, रायमन टेमन एंड कोलबेज, रायमन टेमन एंड कोलबेज रिएक्शन की पहली दो नेम रिएक्शन की, फिर देखो फिर मैंने दो नेम रिएक्शन बताई बेटा, कौन सी बताई, देखो प्राइज रिएजमेंट एंड क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन कोप रिअरेंजमेंट, फ्राइज रिअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रिअरेंजमेंट, फिर कौन सी वाली बताई देखो मैंने बेटा आपको, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन किस किस की कपलिंग रिएक्शन, फिनोल की एंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साल्ट, तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, तो किस किस के साथ बताइए, हम फिनोल से एंड एनिलीन से, फिनोल से एंड एनिलीन से, क्लियर, चलें बेटा आगे, देखो इसी से आपने एक नाम सुना होगा, फिर देखो नॉलेज क्लाउड पे चले जाते हैं, एक नाम सुना होगा इंडिकेटर, फिनोल फ्थेलीन इंडिकेटर, फिनोल
फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन इंडिकेटर ये वीक एसिडिक इंडिकेटर होता है, वीक एसिडिक इंडिकेटर होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं एचपीएच से, मतलब एच दे सकता है, शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं फिनोप्थलीन को एचपीएच से, वीक एसिडिक इंडिकेटर या एचपीएच इंडिकेटर। अब फिनोप्थलीन देखो अब बनता कैसे है, नाम देखो फिनोल दिखाई दे रहा है फिनोल नाम में, थलीन ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये किससे प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। फिनोल एंड थैलिक पीटी से, थैलिक पी साइलेंट है एनहाइड्राइड। फिनोल का तो फार्मूला आता होगा बेटा आपको, इतनी देर से कर रहे हैं H5OH OH, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन थैलिक एनहाइड्राइड है तो थैलिक एसिड से बनेगा ये, थैलिक एसिड में क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के दोनों ऑर्थो पोजीशन पर एसिड ग्रुप होता है तो एसिड हो जाता, थैलिक एसिड हो जाता, लेकिन एसिड के दोनों OH में वाटर रिलीज कर दोगे तो ये थैलिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, ये है फिनोल और दिस वन इज द थैलिक एनहाइड्राइड, तो फिनोल एंड थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। इनकी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो चीज बनती है वो फिनोप्थलीन है। अब देखो फिनोप्थलीन कैसे बना और याद हो जाएगा इतना बड़ा फार्मूला एक सेकेंड में आपको, आप क्या करो आप यहां पर फिनोल बनाओ, ये थैलिक एनहाइड्राइड बनाओ पहले, थैलिक एनहाइड्राइड में इस सीओ नीचे वाले सीओ के साथ दो फिनोल के पैरा हाइड्रोजन लगा दो, मतलब उल्टा कर दो फिनोल के पार्टिकल को OH, ये पैरा पोजीशन हाइड्रोजन, एक और लगा दो तो टू मोल इसके ले लो और वन मोल इसका ले लो, तो यहां भी फिनोल लगा दो OH, अब इस H2O को रिलीज करवा दो, जो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना आपका वही आपका फिनोप्थलीन है, तो क्या देखो स्ट्रक्चर बन जाएगा फिनोप्थलीन इंडिकेटर का, बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो, यहां सी सी के साथ दो फिनोल लग गया आपके, दो फिनोल के ग्रुप लग गए, ये एनहाइड्राइड बाकी पड़ा है, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है। अब आपके आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोप्थलीन, तो ये आपका फिनोप्थलीन है, तो फिनोप्थलीन एक थैलिक एनहाइड्राइड और दो फिनोल के पार्टिकल से बना है फिनोप्थलीन, तो इसमें आप फिनोप्थलीन के अंदर देखोगे तो कॉन्जुगेशन कितना एक्सटेंशन हो गया, हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, हाईली तो कपलिंग रिएक्शन का ही एक्सटेंशन और आगे हो गया, इतने सारे रिंग आगे देखो तो हाईली एक्सटेंडेड जो आपका कॉन्जुगेशन होता है वही तो डाइज होता है, वही तो कलर होता है कॉन्जुगेशन, तो उसी को आप क्या बोलते हो डाइज, डाइज को ही क्या बोलते हैं हम कलर, कलर मतलब क्या होता है इंडिकेटर, ये एक मीडियम में एक कलर दिखाएगा दूसरे में दूसरा कलर दिखाई देगा, तो इसीलिए हम इंडिकेटर को की फॉर्म में इसको यूज करते हैं, तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर वीक एसिडिक इंडिकेटर, तो वीक एसिडिक क्यों हुआ बेटा ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर वीक एसिड क्यों है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर को आप वीक एसिडिक इंडिकेटर कह रहे हो, कुछ आइडिया लग रहा है बेटा क्यों वीक एसिडिक बोला इसको, क्योंकि सर फिनोल वीक हो एसिडिक, फिनोल वीक है बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि फिनोल से बना हुआ है, टू मोलो फिनोल और वन मोलो आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, तो फिनोल से बना हुआ है, फिनोल वीक ही तो होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी है फिनोल, दैट्स वाई कि हम इसको जो बोलते हैं वीक एसिडिक इंडिकेटर बोलेंगे, मतलब इसका बिहेव आएगा कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर, तो ऑप्शन देंगे आपको कि बेसिक है स्ट्रॉन्ग बेसिक, वीक बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक
वीक एसिडिक बिहेव। तो क्या आंसर देंगे आप? वीक एसिडिक बिहेव। पिंक कलर का होता है ना, इसका कलर भी याद रखना। वैसे तो आपका उसके अंदर आता है एक, जो आपका एसिड बेस रिएक्शन करते हो, जो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आता है बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। तो पिंक कलर का होता है। तो ये जो होता है फिनोक्सिलीन HPH फॉर्म में होगा तो पिंक होगा, और अगर ये आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया पीएच नेगेटिव, मतलब ये तो न्यूट्रल हुआ। अगर HPH फॉर्म है तो न्यूट्रल हुआ, और पीएच नेगेटिव फॉर्म है तो आयनिक फॉर्म है, तो ये जो पीएच होता है और ये कलरलेस होता है। लेकिन जो आपका बेस होता है, बेस में ये पिंक होता है, ये HPH एसिड में, क्योंकि एसिड में एसिड होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। इन एसिडिक, इसको ऐसे लिख सकते हो, इन एसिडिक मीडियम। और यहां देखोगे तो इन एसिडिक मीडियम ये पिंक होगा, और कलरलेस जो होगा इस फॉर्म के अंदर होगा। और ये कब होगा? जब आप बेस डालोगे तो उसका एच ले जाएगा, बेस पीएच नेगेटिव सॉल्ट बना देगा। तो ये जो होता है इन बेसिक मीडियम। तो कई सारे क्वेश्चन बन गए देखो आपके कॉम्पिटिशन के, बहुत सारे क्वेश्चन। तो फिनोप्थ्रीन इंडिकेटर एक वीक एसिड है, ये कलरलेस कौन से मीडियम में रहता है और कलर्ड किस में रहता है, या इसकी कलर्ड कौन सी फॉर्म होती है और कलरलेस कौन सी होती है? तो जो इसकी न्यूट्रल फॉर्म होती है, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म रहती है, HPH वाली, न्यूट्रल मतलब अनआयनाइज्ड, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, कि जो इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो HPH है, वो पिंक कलर की है, और वो एसिडिक मीडियम में। लेकिन जैसे मीडियम चेंज होगा तो HPH जो होगा पीएच नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कलरलेस हो जाता है, तो आपका कलरलेस होता है। और इसके यूज जो करते हो आप, जो इसका यूज करते हैं हम, वो कहाँ यूज करते हैं हम? पीएच को मेजर कर, ये तो लिख देता हूँ, देखो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी नोट, फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाते हैं। फिनोप्थिलीन मतलब HPH, फिनोप्थिलीन यूज्ड एज बेस्ट इंडिकेटर इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, उसमें मिला रहे हो NaH, तो एंड पॉइंट का पता करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज करते हो? देखो सपोज आपने एक टाइट्रेशन किया, अब देखो और ज्यादा रिएक्शन नहीं करवा रहा क्योंकि आपको याद भी करनी है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। सपोज ये आपका एक, इसके साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं। तो ये देखो, ये हमने किया, सपोज ये ब्यूरेट लिया, और यहां पर हमारे पास कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है, टाइट्रेशन करना चाहते हैं हम। अब हमने क्या किया, यहां पर HCl ले लिया, ये HCl रखा हुआ है, HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर जो ब्यूरेट लिया आपने उसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल रखा है आपने, उससे न्यूट्रल करना चाहते हो आप। यहां हम इसको यहां दे देते हैं NaH। NaH कैसा बेटा, देखो एक NaH कैसा जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये इसके अंदर ड्रॉप वाइज गिरने लगेगा, और यहां हमने जैसे रिएक्शन जब स्टार्ट किया था, तो HCl में हमने क्या किया था, पिंक कलर की कुछ ड्रॉप डाल रखी थी, 2-3 ड्रॉप। अब आप देखो, अब जब आपने HCl डाला, तो HCl के अंदर जो पहले, जब तक HCl रहेगा डोमिनेंट, तो उसमें फिनोप्थिलीन होगा, तो फिनोप्थिलीन कैसा नजर आएगा आपको, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, उसके अंदर एसिड में, तो एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा ना, फिनोप्थिलीन की ड्रॉप डाल रखी है HPH। ये HPH कौन से मीडियम में, इन स्टार्टिंग एसिडिक मीडियम, अभी रिएक्शन बेटा स्टार्ट ही हुआ है, इन स्टार्टिंग जो मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में तो HPH खुद इस फॉर्म के अंदर रहेगा। अगर HPH इस फॉर्म में रहेगा तो ये तो अनआयनाइज्ड फॉर्म है,
और जब अनआयनाइज्ड फॉर्म है तो किस कलर का दिखाई देगा सॉल्यूशन आपको? सर पिंक कलर का दिखाई देगा। पिंक कलर का दिखाई देगा आपको। अब सपोज आपने क्या कर दिया, ऐसे करते 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 ऊपर से न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दिया, जब ये न्यूट्रल हो गया आफ्टर कंप्लीट यूज ऑफ NHCl जो किससे न्यूट्रलाइज हो गया NaOH, नाउ वन ड्रॉप इज एक्स्ट्रा ऑफ NaOH। जैसे ही वन ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाएगी NaOH की इसमें, अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा यहां पर वन ड्रॉप एक्स्ट्रा होते ही? सर कलरलेस होने लगेगा, मतलब NaOH आ जाएगा, NaOH डोमिनेंट हो गया, HCl तो न्यूट्रल हो गया सारा, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब ये आपको यहां पे दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज अब जो आपका फिनोप्थिलीन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा पीएच नेगेटिव, क्योंकि NaOH से रिएक्ट करने लग जाएगा, अभी पीएच नेगेटिव आएगा तो पीएच नेगेटिव जो है आपके आयोनाइज्ड फॉर्म है, आयोनाइज्ड फॉर्म में ये फिर आपके जो है कलरलेस हो जाएगा, ये आपके कलरलेस है। तो इस टाइप से ये वर्किंग जो होती है उनकी इस टाइप से होती है। तो ये आपका, चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज की फॉर्म में आ गया, बट आपको क्या याद करना है, फिनोफ्थलीन। तो वापिस पॉइंट पर आ जाओ बेटा, क्या होता है फिनोफ्थलीन, किससे बनता है, पहला क्वेश्चन ये फिनोफ्थलीन क्या है, और सेकंड ये बनेगा किससे बनेगा? एसिडिक रिएक्शन जब हम फिनॉल से कराते हैं तब बनता है। फिनॉल का रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं 2:1 मोल रेशियो में, 2:1 मोल रेशियो में जब रिएक्ट कराते हैं तो जो स्पीसीज बनती है उसको हम फिनोप्थिलीन बोलते हैं। वो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब वो डाइज की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में काम कर सकता है। इसमें 1:2 रेशियो किस किस का होता है, 2 किसका होता है, 1 किसका होता है? 2 फिनॉल का होता है, 1 पिथैलिक एनहाइड्राइड का होता है। थैलिक एनहाइड, पथैलिक नहीं बोलेंगे बेटा, पी साइलेंट होता है, जैसे निमोनिया को पनोनिया नहीं बोलते, पी साइलेंट है, वैसे ये भी थैलिक एनहाइड्राइड है, पी साइलेंट रखना है बेटा। तो थैलिक एनहाइड्राइड की फिनोल के साथ जब रिएक्शन जाएगी तो वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होने से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम फिनोप्थिलीन बोलेंगे, वो हमारा रिएक्शन जो आएगा वो फिनोप्थिलीन का हो जाएगा। तो ये आपकी सारी नेम रिएक्शन हो जाएंगी। नेम रिएक्शन के बाद हम अदर रिएक्शन देखो, देखते हैं फिनोल की। अदर रिएक्शन ऑफ फिनोल लाइक एल्कोहल, जो बिल्कुल एल्कोहल से मिलती जुलती, थोड़ी मिलती जुलती हैं या अलग भी हो सकती हैं एल्कोहल। तो अदर रिएक्शन ऑफ फिनोल जैसे एल्कोहल देता था वैसे देखो, एक तो रिएक्शन इसमें आती है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, तो फिनोल का रिएक्शन अब PCl5 से करते हैं हम, तो C6H5OH PCl3, PCl5 को ऐसे लिख सकते हो बेटा, Cl PCl3, तो एक HCl निकल जाएगा। रिएक्शंस कैसे होती हैं, पहले भी आपने किया ये वाली रिएक्शन एल्कोहल वाली, HCl बाहर हो जाएगा, O जो होता है O POCl3 के साथ चला जाएगा। तो एल्कोहल जो होते थे वो रिएक्शन यही रुक जाता, हाँ एल्कोहल जो होते थे वहां पर रिएक्शन यही रुक जाता था बेटा, बट यहाँ रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, ये आपका बन जाएगा C6H5Cl प्लस HCl, ये तो ओके है, बट इसके साथ जो बना है वो POCl3 बना है, POCl3, ये जो POCl3 होता है एल्कोहल में यही रिएक्शन रुक जाता है, बट इट फर्दर, ये डिफरेंस भी आएगा एक, इट फर्दर रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ फिनोल, ये फर्दर फिनोल से रिएक्ट करेगा, एल्कोहल होता तो रिएक्शन यही रुक जाता, लेकिन फिनोल में आगे रिएक्शन जाता है तो फिर 3 पार्टिकल और दो, C6H5OH C6H5OH C6H5OH, इसका रिएक्शन POCl3 से
तो हम उल्टा करके लिख देते हैं इसको, PuCl3 को Cl Cl Cl। तो ये रिएक्शन देखो सिंपली याद करने के तरीके से, HCl बाहर कर दो, पी डबल बॉन्ड ओ भी है आपके पास, तो क्या बन जाएगा देखो, PO और PO के साथ OC6H5, 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 3Cl हटा के 3OC6H5 आ गए। तो इसको अगर आप सिंपल वे में लिखना चाहो तो सिंपली बिल्कुल ये ऐसे लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, C6H5 thrice PO4, मतलब ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। एक्चुअल में है तो ऐसा नहीं है, है तो ऐसे ही, ओ सी सिक्स एच फाइव जो है वो थ्राइस इसके पास आ गए और पी डबल बॉन्ड हो आ गया, लेकिन उसको आप ऐसा बना सकते हो, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट लिख सकते हो। तो देन PCl5 की रिएक्शन लाइक एल्कोहल ही स्टार्ट होती है, लेकिन आगे जाके थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। तो फिर एक वन पार्टिकल PCl5 के साथ देखो फिनोल का कितना पार्टिकल रिएक्ट हुआ टोटल, पहला रिएक्शन देखो PCl5 के साथ फिनोल रिएक्ट, पहले एक फिर थ्री फर्दर और रिएक्ट हो गए, तो और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप इसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट जो बनाओगे बेटा वो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनाओगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो आंसर जो देंगे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फेट देंगे। ये रिएक्शन बताने का रीजन क्या, जैसे मैं पेयर में रिएक्शन बताते जा रहा हूं देखो आपको, जिससे याद रहे, इससे मिलता जुलता रिएक्शन जो हमारे पास एक दूसरा है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो जैसा FeCl3 वाला किया था सेम ऐसे ही तो होगा, तो फिनोल रिएक्ट कराओगे तो देखो Fe, वहां फास्फोरस था, ये Cl ले रहे हो बेटा, तो FeCl Cl Cl रिएक्शन बनाओगे फिनोल के साथ, C6H5OH, जैसा पहले निकाला था वैसे इसको भी निकाल लो, जैसे पहले किया था HCl बाहर निकाल दो बेटा, तो HCl बाहर हो जाएगा। ये Fe आ जाएगा, तो ये इस टाइप से है, बट ये रिएक्शन फिर यहां नहीं रुकेगी, बिकॉज यहां पर आयरन का आपको पता है ना, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, याद है आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर Fe+3 के अंदर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद है 6 था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+3 6 था। तो ये जो अभी 3C6H5 है फर्दर फिर रिएक्ट करता है ये फिनोल, 3C6H5OH, तो ऐसे थ्री पार्टिकल और लाता है, तो अल्टीमेटली इसके पास जो Fe होता है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा कर लेता है, OC6H5 लिगेंड का काम करते हैं, इसका मतलब यहां पर 3 पहले हैं, 3 और आगे 6, और ये नेगेटिव आएंगे प्लस 3 नेगेटिव, यहां पर 3 H पॉजिटिव। तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, इसका फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, तो रेड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए ये रिएक्शन जो यूज होती है ये आपकी एल्कोहल से डिफरेंट है, और ये यूज होती है यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, स्टार्टिंग में करवाया था जब टेस्टिंग बताई थी, फेरिक क्लोराइड वाली ये रिएक्शन थी, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो ये बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट आपने ये बनाना है, बस सिंपली यहां पर C6H5 जो O वाला पार्ट है, ये C6H5 देखो आपको ओवरऑल अगर बात में करना चाहूं तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, Fe+3 हुआ, Fe मेटल की तरह काम कर रहा है, और यहां पर ये C6H5O नेगेटिव, एक्चुअल में ये सीन है, C6H5 ऐसे 6 यूज हो रहे हैं, ये इसका मतलब लिगेंड का काम कर रहे हैं, और ये मेरे पास मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
ये कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है। तो PCl5 के साथ और FeCl3 के साथ दोनों रिएक्शन सेम है बेटा, PCl5 के साथ और FeCl3 के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट दोनों में बताओ जरा क्या हुआ, PCl5 के साथ क्या फाइनल प्रोडक्ट है, क्या नाम दोगे फाइनल प्रोडक्ट? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फॉस्फेट, एक सिंपल साल्ट बना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। लेकिन FeCl3 के साथ क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना, रेड कॉम्प्लेक्स। आयरन के साथ OC6H5 जो है वो आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अटैच हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 जो होगा इसमें यूज होगा। तो इसको एक बार देखो आप दोनों रिएक्शंस को, कोई चीज अगर आपकी होती है तो उसमें देखो, पूछो। तो मैं आपसे क्वेश्चनिंग देखो पूछता हूं। अच्छा अगर मान लो और कोई रिएक्शन आ जाए, जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन आ जाए PCl5 की बजाय, PCl3 के साथ रिएक्शन आ जाए या SOCl2 के साथ रिएक्शन आ जाए, तो आपने जो है वो जनरल रिएक्शन ही देनी है। जैसी आपकी रिएक्शन पहले होती है वैसा ही रिएक्शन देना है आपने, जैसे जनरल, जैसा फिनोल का रिएक्शन, एल्कोहल का रिएक्शन दिया था, सेम उसी टाइप से आपने इस चीज का रिएक्शन देना है। तो यहां से आप एक बार देख सकते हो, ये देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ फिनोल और द रिएक्शन ऑफ फिनोल, कुछ एल्कोहल से है कुछ उससे मिलता जुलता है। फिनोल के साथ पहला स्टेप जो है बिल्कुल एल्कोहल जैसा आपको सेम दिखाई दिया है, और दूसरा स्टेप जो है वो आपका चेंज किया है उसने, पहला सेम, दूसरे वाला आपने उसके अंदर उसमें जो दिखाया है वो चेंज दिखाया है। तो आपका इसमें उस कलर को रेड दे दे, वायलेट कलर बोल दे, उसको एक जैसा ही लेके चलना है आपने, कलर बनाना है। मतलब जैसे हमने मान लो रेड बोला है, तो कई बार रेड ब्राउन लिखा होता है, कई बार लिखा होता है रेड ब्राउन, और कई बार लिखा होता है वायलेट। तो कलर वायलेट और रेड ब्राउन एक ही है, फाइनल प्रोडक्ट देना है और एक्वास्फेरिक क्लोराइड में ये टेस्ट देना, क्योंकि एक्वास होगा तभी तो रिएक्शन हो पाएगी ना, तो एक्वास्फेरिक क्लोराइड में आपने टेस्ट देना है। तो इसमें नोट लिखना है कि अगर आपको फिनोल और एल्कोहल में दोनों को सेपरेट करना है तो क्या टेस्ट दोगे। तो एल्कोहल का टेस्ट, फंक्शन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट आ जाए, तो नाम याद रख लेना, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। तो नाम याद रखना बेटा, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, सैरिक अमोनियम फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं ये, अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। और अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आ जाए तो क्या नाम दोगे, दो दो की टर्म में सारी चीजें दो दो में, तो बोलोगे एक्वस फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो एल्कोहल और फिनोल दोनों में दोनों टेस्ट अलग अलग आपने देने हैं। तो बेटा एट द एंड ऑफ टॉपिक आप सारी रिएक्शन एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले कौन सी दो रिएक्शन की आपने, सर, रायमन टीमन एंड कोलबेज रिएक्शन। राइमर टीमान एंड कोलबे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से क्वेश्चन आने के हैं। तो राइमर टाइमान, एक जनरल सा आइडिया बता सकते हो मुझे, राइमर टाइमान क्या था? राइमर सर, टाइमान एक, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम फिनॉल से कराते हैं, वो भी एल्कली मीडियम में, प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और कोलबे में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद बाकी बच्चे बोलते जाओ बेटा, आप लोगों ने भी एग्जाम देने हैं, आप लोगों भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए आप भी जो है वो आंसर दो उसका। सेकंड कौन से की थी बेटा, दो रिएक्शन, सेकंड क्या नाम थे, सेकंड दो रिएक्शन मैंने आपको दिया था, नाम याद है उसके बाद दो, फिर सर, नेम रिएक्शन की थी, प्राइड रिएजमेंट त्रयता और क्लाइसिन कोप रिएक्शन। क्लेजन और फ्रीज, दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई थी। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन बता सकते हो क्या थी बेटा, ट्राई कर सकते सर, हो। प्राइज रिएजमेंट में फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 से करा रहे थे, तो उसमें जो एसीटेट ग्रुप था वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जा रहा था।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक और रीअरेंजमेंट था, उसमें क्या था, ऐसा क्या जा रहा था? रीअरेंजमेंट में हम वो अलाइल ग्रुप को क्लेजन में, और क्लेजन में ऊपर या मेटा पे ले जा रहे हैं। मेटा नहीं बेटा, मेटा नहीं कभी भी, सर और तो मेटा या नहीं, पैरा। हाँ पैरा, और तो या पैरा पर ले जा रहे थे। उसके बाद फिर दो नेम रिएक्शन और बताई मैंने, वो क्या थी? सर कपलिंग रिएक्शन बताई थी कपलिंग रिएक्शन, किस किस की थी कपलिंग रिएक्शन? सर, कपलिंग रिएक्शन आपने डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट की रिएक्शन आपने फिनॉल से कराई थी, उसमें एक डाइज बनी थी, वो भी एसिडिक थी। फिनोल के साथ एसिडिक डाइज थी। क्या बेसिक डाइज भी बनती हैं? सर अगर हम एनिलीन के साथ कराते हैं फिनोल के डाइजोनियम, साथ रिएक्शन करवाने के लिए पीएच क्या रिक्वायरमेंट है? सर मतलब वो बेसिक पीएच चाहिए 7, 8, 9। 8, 9। फिर उसके बाद कपलिंग रिएक्शन के बाद क्या करवाया था? आफ्टर सर कपलिंग आपने रिएक्शन फिनोप्थिलिन के बारे में बताया बीच था, में फिनोफ्थलीन के बारे में हम लोगों ने कुछ किया था। लास्ट में फिर दो रिएक्शन बताई बेटा, वो कौन सी रिएक्शन थी? एट द एंड फिनोल की टू रिएक्शन और बताई मैंने आपको। इसके बाद नेम रिएक्शन नहीं थी बेटा, वो जनरल रिएक्शन थी। नेम रिएक्शन नहीं, अदर रिएक्शन में किया था। किसके साथ रिएक्शन दिया था हमने? PCl5। यस, PCl5 एंड फेरिक क्लोराइड FeCl3। PCl5 मतलब POCl3 और FeCl3 के साथ दिया। लास्ट में हमने दोनों के टेस्ट के नाम लिखे थे, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देखना हो या फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, तो क्या क्या टेस्ट के नाम दोगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाई द फॉलोइंग टेस्ट, तो क्या आंसर दोगे? सैरिक कैरिक अमोनियम 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 नाइट्रेट है। नाइट्रेट, जो एल्कोहल है उसमें सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, और फिनोल के लिए एक्वेस एक्वस एफिशिएंसी फेरिक क्लोराइड टेस्ट। है। तो जिस तरीके से मैं बेटा आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, ऐसे ही आपने याद करना है। और बीच में जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे पहले फर्स्ट लेवल पर याद करो कि भाई रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनके फार्मूले याद करो, फिर कि भाई ये रिएक्टेंट इसका ये था, इसका ये फार्मूला, तो आपके ज्यादा मेमोरी में बने रहेंगे ये क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लगेगा कि एग्जामिनर ये पूछ रहा है, मैं इसका ये आंसर दूंगा बेटा। क्लियर? ओके सर, यस सर। ओके बेटा, ओके, नाउ आई एम लिविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन।